एसआरएच ने आरसीबी के सामने पहली पारी में जब 287 रन बनाए तो मीम्स की बौछार आ गई। लोगों ने आरसीबी को हार सीबी कहना शुरू कर दिया, लेकिन तब आरसीबी के बल्लेबाजों ने कहा कि भाई साहब माना कि हमारे गेंदबाज जो हैं वो ज्यादा टैलेंटेड हैं, साल दर साल वो टैलेंट दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा भरोसा तो बल्लेबाजों पे रखिए, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दीजिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। और इसके बाद आरसीबी के बल्लेबाजों का सेल्फ रिस्पेक्ट जगा, मैच तो नहीं जीता लेकिन दिल जरूर जीत लिया 262 रन बनाकर। एक पागलपन जुनून के इंतहा को पार करने वाला मैच जिसमें 40 ओवर में 549 रन बन जाते हैं। वनडे क्रिकेट 50 ओवर का होता है, कहीं 500 नहीं बने, 40 ओवर में 549 रन, हाईएस्ट टी20 रन क्रिकेट की हिस्ट्री में 549 रन। वैसे तारीफ आरसीबी की होनी चाहिए, 13,000 टी20 मैचेस हो चुके हैं लेकिन कभी किसी टीम ने 250 के पार चीज करते नहीं बनाया, आरसीबी ने बनाया। आप कह सकते हैं दिल को खुश रखने का गालिब का ख्याल अच्छा है, लेकिन ठीक है ख्याल है तो ख्याल सही, 263 का रिकॉर्ड था, नहीं बना 262 चेज में गया, लेकिन पागलपन ये मैच था। 549 रन बन गए, 39 बॉलों पर 100 रन बन गए, 20 बॉल, 22 बॉल, 23 बॉल, 24 बॉल पर अर्धशतक लग गए, आईपीएल के इतिहास का हाईएस्ट टोटल बन गया, हाईएस्ट टोटल वाइल्ड चेजिंग बन गया, हाईएस्ट छक्कों का रिकॉर्ड बन गया, एक मैच में सबसे छक्के, एक पारी में सबसे छक्के, एक इनिंग में सबसे रन, टोटल मैच में सबसे रन, मतलब कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो इस मैच में ना बना हो। और इसी वजह से ये मैच ब्लॉकबस्टर, पैसा वसूल मैच जिसे हम कहते हैं, तालियां बजाने वाला मैच जिसको आप याद रखेंगे। कमाल की पारी, एसआरएच और आरसीबी ने चिन्नास्वामी में जलवा जलाल कर दिया। मतलब अगर रिकॉर्ड्स में आसानी से बताऊं, हाईएस्ट टीम स्कोर वाइल बैटिंग सेकंड, बैटिंग फर्स्ट का हाईएस्ट, ओवरऑल हाईएस्ट, मोस्ट रन स्कोर टी20, फर्स्ट एवर टी20 गेम जिसमें 50 चौके लगे, कहीं सुना ऐसा, 50 चौके, 13,000 मैचेस हो चुके टी20 के, उसमें आरसीबी फर्स्ट टीम है जिसने इतना रन चेज किया, 250 कभी किसी ने नहीं बनाए थे और आरसीबी इसी से खुश है। आरसीबी ने 79 रन पावर प्ले बना दिए थे, एसआरएच ने 76 बनाए थे। हालांकि आरसीबी की समस्या है कि वो टीम नहीं है, वो जो कहते हैं ना टुगेदर ईच अचीव मोर, उनके पास वो नहीं है, दे हैव इंडिविजुअल प्लेयर्स जो मैच और दिल जीतना आते हैं, और यही यहां भी रहा। आरसीबी ने रिकॉर्ड बनाया फास्टेस्ट 200 का, 14.1 ओवर में उनका रिकॉर्ड था, 14.4 में एसआरएच ने बनाया, 14.6 में एसआरएच ने बनाया, वो रिकॉर्ड नहीं टूटा उनका, लेकिन आरसीबी वो रिकॉर्ड नहीं बना पा रहे। हालांकि इस मैच में कार्तिक ने दिल जीत लिया, 38 ईयर्स ओल्ड कार्तिक 108 मीटर का छक्का मारता है, I mean that was madness, दिनेश कार्तिक यू ब्यूटी, 38 साल के कार्तिक, सबसे बड़ा छक्का है भाई साहब इस साल का, क्लासन ने मारा है, वेंकटेश अय्यर ने मारा है, निकोलस पुरन ने मारा है 106 मीटर का, 108 मीटर नहीं मारा था। दिनेश कार्तिक ये मैच जिता नहीं पाए, लेकिन 35 बॉलों पर 83 रन की जो पारी थी वो दिल जीतने वाली पारी थी, एक ऐसी पारी जिसमें 250 के आसपास का स्ट्राइक रेट था, 5 7 छक्के, 108 मीटर का छक्का, सबसे बड़ा छक्का आईपीएल 2024 का, और आरसीबी के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया। कमाल है यार, मतलब दिनेश कार्तिक के लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, दिनेश कार्तिक विराट के साथ दूसरे खिलाड़ी हैं जो इस टीम को संभाल कर रख रहे हैं, अदरवाइज ये टीम बहुत ही एवरेज 10 नंबर पर यूं ही नहीं है, लेकिन दिनेश कार्तिक ने अपनी परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप को लेकर अपनी जगह मजबूत कर ली है। विराट कोहली के बाद शायद सेकेंड नंबर पर ये है, विराट शायद हाईएस्ट है, 38 साल कार्तिक सब कुछ झोंक दिया, और एक कमाल का विकेट कीपर, कमाल का फिनिशर, कमेंटेटर, कमाल के इंसान दिनेश कार्तिक इस आईपीएल में सब कुछ झोंक रहे हैं आरसीबी के लिए। अगर बाकी लोग भी ऐसे सपोर्ट करते हैं तो शायद ये टीम अलग होती, 26 बॉल पे 38 रन, 10 बॉल पे 28 रन, 8 बॉल पे 20 रन, मतलब हर मैच में आप देखिए 23 पर 53, 35 पर 83, दैट्स दिनेश कार्तिक। क्या वो वर्ल्ड कप में जगह डिजर्व करते हैं? वेल ऑफकोर्स करते हैं, उम्र अगर आड़े नहीं आती है तो वो करते हैं। हालांकि अगर कोई इंसान और दिल में जगह डिजर्व करता है तो पैट कमिंस है। पैट कमिंस ने मैच की शुरुआत में कहा था कि भाई साहब मैं 240 प्लस हूं, और पैट कमिंस न सिर्फ टीम संभाल रहे बल्कि गेंदबाजी भी देखा, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मैच की अगर आप बात करेंगे तो इस मैच में भी उन्होंने 3 विकेट निकाले, 4 ओवर 43 रन, 22 पर 1, 29 पर 1, 28 पर 1, 35 पर 2, एकदम सही फैसला कैप्टन बनाने का, और चैंपियन क्रिकेटर लगातार मजबूत करें यार। उनकी अगुवाई में टीम जब पहले दिन वो आए थे कहा कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, और 287 एसआरएच ने दो दो बार 270 प्लस बना दिया है, कौन 300 बनाएगा पहले, पता नहीं कौन बनाएगा, लेकिन आरसीबी अपनी गेंदबाजी से दुखी होगी क्योंकि आरसीबी के गेंदबाजों ने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। मतलब टॉपली एक विकेट 68 रन देके, विश्यक 64 रन पिट गए, फर्ग्यूसन 52 रन पिट गए, दयाल 51 पिट गए, किसी भी टीम के ये 4 सबसे पिटे पिटाए गेंदबाज, 4 गेंदबाजों में अगर आप मिला के देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा गंदा रिकॉर्ड है।
रिकॉर्ड एसआरएच ने बनाए, छे हाईएस्ट टोटल आईपीएल हिस्ट्री, सबसे अच्छा छक्का, पहली टीम जिसने 250 दो बार मारा, पहली टीम जिसने 270 प्लस दो बार किया, ट्रेविस हेड जिन्होंने 39 बॉल पे 100 मारा, कमाल के रिकॉर्ड उनके थे और इस मैच को उन्होंने फिनिश किया। पैट कमिंस जब एमआई के सामने थे, 250 प्लस एमआई ने चेस किया था, तब उन्होंने 35 रन दिए थे दो विकेट निकालकर। इस मैच में जब आरसीबी क्लोज पहुंच गई तब चार ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट निकाले। दोनों मैच में एक कैप्टन के तौर पर, एक गेंदबाज के तौर पर पैट कमिंस ने डिलीवर किया जो वो चाहते थे। हालांकि कप्तान के तौर पर फाफ डुप्लेसी भी शानदार थे, 28 बॉल पे 62 रन, 7 चौके 4 छक्के, अच्छी पारी उनकी थी लेकिन शायद पूरी नहीं हो पाई। एसआरएच फिलहाल जबरदस्त तरीके से खेल रही है टॉप फोर में जगह बनाने के लिए। एमआई को 31 रनों से हराया है, सीएसके को 6 विकेट से, पंजाब को 2 रन से और आरसीबी को 25 रनों से। 4 जीत उनकी हो गई है और आईपीएल 2024 की वो तगड़ी टीमों में शामिल हो गए हैं जो प्लेऑफ की तरफ शान से बढ़ गए। ये मैच ब्लॉकबस्टर था लेकिन आरसीबी 262 रन बनाने के बावजूद जब आप उसे 10th पोजीशन पर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ इस टीम के साथ है, जो सही होना चाहिए। ब्लॉकबस्टर मैच बावजूद 10 नंबर पर आरसीबी, विराट कोहली डोंट डिजर्व दिस, दिनेश कार्तिक डोंट डिजर्व दिस, फाफ डुप्लेसी डोंट डिजर्व दिस। लेट्स जस्ट होप शायद अगले साल से आरसीबी के अच्छे दिन आए।